क्या आपके लैपटॉप में विंडो 10 है और आप चाहते हैं कि बिना डेटा लॉस हुए, बिना वीडियो ऑडियो फोटो कोई डॉक्यूमेंट कोई फाइल उड़े आपके लैपटॉप में विंडो 11 इंस्टॉल हो जाए? ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाया हूँ कि किस तरीके से आप अपने लैपटॉप में विंडो 11 कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही आपको साथ ही में बेल के बटन प्रेस कर लीजिए। बेल के बटन प्रेस करने से यह होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो बेल के बटन को प्रेस कीजिए, इसके बाद ऑल कर दीजिए। ऑल करने से यह होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताया हूँ कि किस तरीके से अगर आपके लैपटॉप में विंडो 10 है तो अगर आप चाहते हैं कि बिना डेटा लॉस हुए, बिना फोटो वीडियो ऑडियो फाइल डॉक्यूमेंट या कुछ भी आपके लैपटॉप में है वो नहीं उड़े और आपके लैपटॉप में विंडो 11 इंस्टॉल हो जाए तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में ये बताया हूँ कि आप पहले उसको चेक कर लेंगे कि आपके कंप्यूटर विंडो 11 के लायक है कि नहीं, आपके कंप्यूटर में विंडो 11 इंस्टॉल होगा या नहीं उसको पहले चेक करेंगे, उसके बाद ही आप विंडो 11 डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा तरीका बताया हूं कि किस तरीके से आप विंडो 11 आप खुद से ही कैसे अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप जो है विंडो 11 दुकान वाले के पास जाइएगा यही डलवाने के लिए तो वहाँ पे भैया आपको जो है 800 से 1000 रुपया ले लेगा बस यही काम करने के लिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या करके दे दिया, विंडो इंस्टॉल जो है आपका अगर सिस्टम में नहीं है तो नहीं होगा, अगर आपका सिस्टम इसके लिए अवेलेबल है तो ये जो है आपको करके दे देगा। अब छोटी सी काम है, बस इसी काम के लिए आपसे 800 से लेके 1000 रुपये तक ले लेगा और वो आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपको कुछ भी पता नहीं है कि किस तरीके से विंडो 11 अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे। तो अगर आपको अपने लैपटॉप में विंडो 10 है और आप चाहते हैं कि विंडो 11 इंस्टॉल करें तो ये वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना होगा, तभी आप सब कुछ सीख पाएंगे किस तरीके से विंडो 11 अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया जाता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लैपटॉप में विंडो 10 है और आप चाहते हैं विंडो 11 अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करें बिना डेटा लॉस किए, तो आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र को ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप डालिएगा यहाँ पे विंडो 11 तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अब आप ये पहले चेक कर लीजिए कि क्या आपका कंप्यूटर विंडो 11 के लिए अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं होगा तो आपको जो है रेड मार्क शो कर देगा, अगर होगा तो वो जो है आपको वहाँ पर शो कर देगा। तो यहाँ पर देखिए पीसी हॉट चेक, आपको इस पर क्लिक कर देना है। करते ही यहाँ पर देखिए आपका कंप्यूटर का यहाँ पर चेक किया जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड पीसी हॉट चेक ऐप या यहाँ पर देखिए सी मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर जो है इस बार आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चेक हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कि आपको 13 कुछ MB का है तो यहाँ से आपको यहाँ पर चेक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पहले इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, तो यहाँ पर देखिए 13.6 MB का है, तो यहाँ पर देखिए कि यह डाउनलोड भी हो चुका है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके सामने कुछ ये ऑप्शन ओपन होकर आया था, आपको क्या करना है एक बार इसको रीड कर लेना है, इसका टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल वाले पे क्लिक करके आपको पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये वाला एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए विंडो PC हेल्थ चेक सेटअप, मतलब आपके विंडो इसके लिए अवेलेबल है या नहीं वो आपको पहले ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आपको इसको चेक करना पड़ेगा। तो पहले क्या कीजिए, जो मैं बताया हूँ वो आप तरीका करके इसको पहले क्या कीजिए, आप जो है इसमें इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग स्टार्ट है, जैसे ये जो है कंप्लीट यहाँ पर देखिए हो गया है
और यहाँ फिनिश वाले पे आप इसको क्लिक करके इसको फिनिश कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन होके आ जाता है। यहाँ चेक नाउ पे क्लिक कीजिए और चेक नाउ पे क्लिक करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी ऑल रिजल्ट और यहाँ डिवाइस सी ऑल रिजल्ट पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके इसको आप एक बार रीड कर लीजिए। अगर आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है तो अब तो यहाँ से नहीं होगा। अगर आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत ही आसानी से आप यहाँ से विंडो 11 इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि मेरा जो कंप्यूटर है ये जो है विंडो 11 जो है इसमें इंस्टॉल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो है आपको ऑप्शन यहाँ पे जो है येलो और रेड में शो कर रहा है और कुछ नीचे यहाँ पे आपको ग्रीन में शो कर रहा है। तो आप समझ जाएगा, अगर आपका जो है यहाँ पे पूरे ग्रीन में शो करेगा तभी जो है आप अपने सिस्टम में विंडो 11 इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है इसको रीड करके भी पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए दिस पीसी डोंट करेंटली मीट विंडो 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो इस तरीके से जो है गाइस यहाँ पे मैं जो है विंडो 11 अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं कर सकता हूँ। बट अगर आपके सिस्टम में ये सब जो ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको पूरा के पूरा यहाँ पे ग्रीन जैसे यहाँ पे नीचे है ग्रीन दिखाई दे, तब तो आप यहाँ से बहुत ही इजी तरीके से अपने लैपटॉप में या आपके कोई भी कंप्यूटर है उसमें आप बहुत ही इजी तरीके से विंडो 11 बिना डेटा लॉस किए आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल कैसे कीजिएगा, पहले तो ये तो आपको चेक करना ही पड़ेगा कि आपका होगा या नहीं। अगर इंस्टॉल करना है आपको तो सिंपली क्या करना है, बैक जाना है। यहाँ पर देखिए विंडो 11 इंस्टॉलिंग असिस्टेंट, तो यहाँ पर क्या करना है डाउनलोड वाले पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही डाउनलोड वाले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपको जो है 4 MB का जो है यहाँ पर आपको डाउनलोड होकर आ जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड जैसे होकर आ जाता है तो आपको इस पर डबल क्लिक करना है या सिंगल क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में यहाँ पर कुछ गाइडलाइन का ऑप्शन आएगा, आपको इसको टर्म एंड कंडीशन को आपको एक बार रीड कर लेना है। जैसे देखिए मेरे केस में यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आप यस वाले पे क्लिक कीजिएगा। यस वाले पे क्लिक करने के बाद जो है आपको इसमें कम से कम घंटा भर टाइम लगेगा, मतलब 50 से 60 मिनट का टाइम लगेगा, मतलब 1 घंटा का टाइम भी लग सकता है इस विंडो को इंस्टॉल करने में। तो आप जो है घबराइएगा नहीं, अपने सिस्टम को जो है टेंशन फ्री करके छोड़ दीजिए और इसको जो है इंस्टॉल होने दीजिए। आपको घंटा भर टाइम इस विंडो को जो है इंस्टॉल करने में लगने वाला है। तो इस विंडो को इंस्टॉल होने तक आप जो है इस अपने लैपटॉप को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, तभी आप जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं जैसे पहले आपको बताया हूँ कि मेरे सिस्टम में जो है विंडो 11 इंस्टॉल नहीं होगा। अगर आपके सिस्टम में विंडो 11 जो इंस्टॉल होगा तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से जो है आप अपने सिस्टम में विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। और मेरे सिस्टम में जैसे मैंने पहले बताया हूँ कि नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिए सीधे एग्जिट का ऑप्शन आ चुका है, मतलब आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं। तो आपके सिस्टम में यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से जो है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में देखिए यहाँ पे पीसी हेल्थ चेक ऐप, मतलब बोला जा रहा है कि पहले आप जो है अपने पीसी का हेल्थ चेक कीजिए कि आपके पीसी में मतलब आपके कंप्यूटर में ये जो है विंडो 11 आपका अवेलेबल है या नहीं। तो जैसे मेरे केस में नहीं था जैसे मैंने आपको पहले बताया हूँ, तो यहाँ पे वही यहाँ पे ऑप्शन ओपन होके आ रहा है। आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में या अगर होगा तो यहाँ पे जो है इंस्टॉलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपको जो है 50 से 60 मिनट यानी 1 घंटा का टाइम लगेगा और ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद बिल्कुल आपको इस तरीके से जो यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से आपके सिस्टम पे शो करेगा। सो गाइस इस तरीके से बहुत ही इजी और आसानी से अपने लैपटॉप में अगर आपका विंडो 10 है तो चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद जो है अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में अगर अवेलेबल होगा तो वो जो डाउनलोड हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पर मैं दिखाया हूँ कि यहाँ पर इसी तरीके से शो होगा। सो गाइस इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप जो है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में विंडो 11 डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं बिना डेटा लॉस किए। आपके कंप्यूटर से कुछ भी नहीं उड़ेगा, जैसे फोटो वीडियो या कोई फाइल कोई डॉक्यूमेंट कुछ भी है तो आपके कंप्यूटर से नहीं डिलीट होके हटने वाला नहीं उड़ने वाला है। सो गाइस अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से विंडो 11 अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया जाता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।